पाकिस्तान के लिए आज का दिन काफ़ी अहम है, क्योंकि आज पाकिस्तान की आवाम अपने नए प्रधानमंत्री को चुनने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। पाकिस्तान में बुधवार को नेशनल असेंबली की 272 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं, यानी पाकिस्तान की कुल 342 सीटों के लिए मतदान होगा। इनमें से 272 सीटों पर सीधे चुनाव होंगे, जबकि 70 सीटें आरक्षित हैं। यह चुनाव इसलिए भी खास है क्योंकि इस आम चुनाव में 171 महिलाएं किस्मत आजमा रही हैं और यह पहला मौका है कि इस देश में इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं चुनाव लड़ रही हैं। इन 171 महिलाओं में से 70 निर्दलीय उम्मीदवार हैं जो किसी पार्टी का टिकट न मिलने के बावजूद अपने दम पर चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रही हैं। पाकिस्तान में आज हो रहे आम चुनाव में सुरक्षा के मद्देनजर 370,000 से अधिक सैनिकों को तैनात किया गया है। देश के इतिहास में यह चुनाव के दिन अब तक की सर्वाधिक सैन्य तैनाती है। पाकिस्तान के चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक 3,459 उम्मीदवार नेशनल असेंबली की 272 सीटों के लिए चुनावी मैदान में हैं, जबकि पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतीय असेंबली की 577 सीटों के लिए 8,396 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं।